सच की लड़ाई। ऑल इंडियन किसान संघर्ष तालमेल कमेटी जिला अमृतसर। कश्मीर सिंह जी ने कहा कि यह धरना तद तक चलता रहेगा जब तक आर्डिनेंस रद्द नहीं किए जाते। जिन्ना चर यह सरमाएदार का राज रहा है वो सरमाएदार अपनी नवी तो नवी चाल बदलता रहा। इस करके वो चाहता है कि यह संघर्ष लम्मा हो जाए, लम्बे होने करके किसी तरह संघर्ष तार पीट हो जाए तो ये कुछ ना कर सकते। इस करके अजे तक यह धरना हूँ कितनी देर तक चलता रहेगा? यह धरना उन्ना चर चलूगा जिन्ना चर किसान दंगा वो जो तीन आर्डिनेंस ने जिन्ना चर सरकार रद्द नहीं कर देंगे उन्ना चर चलते रहेगा। जो तुम्हारी मांग जो पूरी नहीं होंगी फिर अगला की स्टेप है? अगला सारा धरना सीधा दिल्ली में, असं दिल्ली जावे। लोग कहते बादल साहब कहते दिल्ली ने कंधा लाइनिया ने, असं दिल्ली ढा के ढेरी कर देनी है जितना असर साढ़े किसान इतना चल पाए। जा रहे हैं वो जित जो जित होनी चाहिए जो भी सड़क ये सारा पूरा पूरा जो भी काम चलता है मोदी वापस लेने। अच्छा किन्ने दिनों तक धरना लगा रहेगा? ये जी पहली तरीक तो लगा है, अज 8 तरीक हो गई है, 8 तरीक तो है लगा धरना, यह साढ़ा 12 तरीक का जो धरना चलूगा। वेखो जी अभी तो यह कहना चाहते हैं मोदी सरकार को कि जो तीन कानून किसानों के खिलाफ जो बनाए हैं उन्होंने चुप करके वापस ले ला, क्योंकि तेन एक गल की जानकारी होनी चाहिए आ कि जो पंजाब के योधे ना झुके आ ना झुकने आ, मुगलों डक्का इन्हें लाया, अंग्रेजों डक्का इन्हें लाया, ये करके तू जो तानाशाही कानून बनाए हैं तीन ये तेरे पंजाब च नहीं चलने। तेरी बेनती यो आ सारे नौजवान वालों बजुर्ग वालों व्डे वालों निके वालों किसान वालों भी कृपा करके इन्होंने कानूनों वापस लो तो किसानों कुछ होर आ दो, जे किसान खुशहाल आ तो तेरा हिंदुस्तान खुशहाल आ। सुविधा कमेटी मैंबर कीर्ति किसान इंजीनियर यूथ विंग दे सुखदेव सिंह जी ने कहा कि वह पिछले 8 दिनों तो इस धरने से बैठे हैं ते अगे भी ओह इसे तरह ही डटे रहेंगे। मैं सुखदेव सिंह सूबा कमेटी मैंबर कृति किसान यूनियन यूथ विंग, असी इतने जेडे आर्डिनेंस सरकार ने पास किए कानून बन चुके हैं उन्होंने खिलाफ पिछले 8 दिनों तो इतने धरने से बैठे हैं। ये लगातार इतने धरना असं चला रहे हैं और जिन्ना चर कानून रद्द नहीं किए जाते उन्ना चर असं जरा इस धरने से बैठे रहेंगे। ये कानून जोड़े है ये किसानी खेती चो बाहर कर देंगे, इस करके इन्हों का विरोध जो व्यापक पद्धर से हो रहा है क्योंकि एक कारपोरेट खेती का मॉडल लेके आ रहे हैं और कारपोरेट खेती के जी खेती है बड़े थोड़े थाई सिमट जूगी ए बजाए कि बहुत व्डे किसान अज जो लगभग 60% किसानी जी 60% लोग जोड़े वो खेती कर रहे हैं और ये बहुत थोड़े हथा जोड़े आ सिमट जूगी क्योंकि जी कारपोरेट खेती है वो मशीनीकरण की खेती होंगी है। इस करके जरा क्योंकि बेरोजगारी पहला ही इन्नी है जेडे लोग इतों वेले हो कितने भी लोन वास्ते जो पंजाब इंडस्ट्री नहीं है, इस करके जरा खेतीबाड़ी बचाने का जो सा एक उपराला है कि खेती अपनी खेतीबाड़ी बचा के रखा जाए ता जो जो अपने रुजगार को अपने रोजी रोटी बचाया जा सके। अजे भी हम सुनवाई नहीं होंगी तो फिर अगर की स्टैप है? इस संघर्ष लम्मा चलेगा। देखो सुनवाई मोदी सरकार का खासा रहा है कि वो जिहड़ा स्टैप उठाया उन्हें वापस नहीं लिया, पर किसानी जिहड़ी आ रिड़े आ क्योंकि किसानी दी एक जे किसानी नहीं ये खिलाफ़ लड़ती तो यह मौत के वरंट ने क्योंकि किसानी बिना लड़े मरनों चंगा है लड़के मरना पसंद करेगी। इस करके इस संघर्ष जो अगे आखिरी हद तक लैके जाना चाहेंगे असं।